तो गाइज अभी ये लाइट मैंने खरीदा हूँ मेरी जेन में ऑल्ट्रेशन फिटिंग करने के लिए। ये शायद कुछ क्रेटा में लगती है सब लाइट, लेकिन अभी अपन अपने कार में इसको ऑल्ट्रेशन करने वाले। कैसे आप लोग, आए होप आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और गाइज वेलकम टू माय चैनल राइस ब्लॉग। गाइज काफ़ी दिन से, मतलब मेरी गाड़ी 2 महीने से यहाँ पे पड़ी है और घर में कुछ फंक्शन थे, मेरे भांजी की शादी थी और शादी के प्रिपरेशन में हम लोग मतलब इतने बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिल रहा था गाड़ी देखने के लिए भी, और गाड़ी के कुछ पार्ट्स लाना था वो लाने के लिए भी टाइम नहीं मिला क्योंकि कुर्ला जाना पड़ता हम लोगों को। 2 महीने बाद इस गाड़ी के पास आ जाया हूँ। तो गाड़ी का हाल तो आपने देख ही लिया, मैंने दिखाया अभी वीडियो में। 2 महीने बाद आए तो गाड़ी का हाल कैसा है, पेंटर भी कुछ नहीं कर सकता था उसमें क्योंकि मुझे पार्ट्स देना था, उसको सेटिंग करना था, बम्पर की फिटिंग के लिए लाइट्स लाना था, तो लाइट वगैरह फिलहाल सब लेकर आए। तो ये अभी हम लोगों ने कार की लाइट लेकर आए कुर्ला से, काफ़ी हद तक तो ये फ्रेश है लाइट। और ये लाइट अभी ला के दिए, इसकी अभी फिटिंग होगी, फिटिंग के साथ में बम्पर सेटिंग होगा, इस वजह से काम रुका हुआ था। नहीं तो डेंटर पेंटर सब काम करके रेडी करते थे गाड़ी, पर इसकी वजह से रुकी हुई थी। तो फिलहाल अभी मैं लेकर आया और ये देते फहीम भाई को और इसके बाद होगा हमारा काम चालू। तो गाइज ये जो ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं कार के बारे में, ये खास करके हमारे कार लवर्स है जो भी, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने दिमाग से कर रहे हैं। जो भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और बड़ा मज़ा आएगा देखने में क्योंकि मैं इसमें छोटी बड़ी सब चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहना और आगे देखते रहना कि हमने किस तरह से इसको क्या क्या किया, कलर डेंटिंग पेंटिंग वगैरह। अभी फ़िलहाल इसका पेंटिंग और जो इस पर माजून वगैरह लगाते हैं, अस्तर वगैरह लगाते हैं वो हो चुका है, अभी घिसाई बाकी है। घिसाई के बाद में पेंटिंग होगी और बाद में जो भी फिर गाड़ी रेडी ऑन दी रोड आपको देखने मिलेगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपके रुमान भी आया, तो रुमान ने बोला 2 महीना हो गया गाड़ी देखा नहीं, 1 महीने बाद वो गाड़ी गैरेज पे देखने आया, तो वो थोड़ा अपसेट भी हो गया कि डैडी गाड़ी की हालत क्या है। मतलब अरे अभी कलर के बाद में बहुत अच्छी हो जाएगी, अपने लेट की वजह से ये सब हुआ है, तो बहुत जल्दी अभी इसको बना के अभी निकालने की कोशिश में हम लोग, और जल्द से जल्द इसको बना के ऑन दी रोड लाना है और इसको चलाना है। और इसके बहुत सी वीडियो शूट भी करूँगा, वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो आप वीडियो पर बने रहे, तो चलो अभी आगे का बाकी का देखते हैं। और ये रही गाड़ी हमारी, इसकी फिर एक बार मैं हालत दिखा रहा हूँ। ये अभी कुछ इस हाल में है लेकिन बहुत जल्द अभी 1 हफ्ते में इसकी हालत सुधार दूंगा। अभी फिलहाल गैरेज पे आ गया हूँ मैं, लाइट्स वगैरह लाया हूँ, तो मैं लाइट 1 आवर लेटर गए और फहीम भाई ने लाइट और बम्पर फिटिंग कर दिया, सेटिंग बाकी है, अभी लगा तो दिए लाइट वगैरह सब फिट कर दिए। लाइट फिटिंग हो गई है, बम्पर भी फिट हो गया अच्छा खासा, दोनों लाइट फिट हो गई है हमारी। ये कुर्ला से लेकर आए थे हम लोग दोनों लाइट, ये मुझे 2000 रुपये जोड़ी मिली क्योंकि बहुत रेयर कार थी तो मिल नहीं रहा था। ये गाड़ी काफ़ी अभी कम हो गई है बॉम्बे में, बम्पर भी टाइट हो चुका है अच्छे खासा, छोटी मोटी सेटिंग बची हुई है। ये देखो यहाँ गैप दिख रहा, ये भी सही हो जाएगी, देखो यहाँ पर फिटिंग नहीं है, ये सेटिंग वगैरह पर ध्यान देंगे हम लोग, इसको करेंगे अभी सेटिंग करेंगे इसको बाद में। तो गाइस अभी ये लाइट मैंने ख़रीदा हूँ मेरी जेन में ऑल्ट्रेशन फिटिंग करने के लिए। ये शायद कुछ क्रेटा में लगती है सब लाइट, लेकिन अभी अपन अपने कार में इसको ऑल्ट्रेशन करने वाले, तो कुछ इस तरह से फहीम भाई अभी काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट टाइम अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी हम लोग आए 60% 70% मतलब रेडी हो चुकी है, अभी सिर्फ कलर का काम लास्ट फाइनल होने वाली है कलर का, लेकिन कुछ बात की वजह से मैं बीच में थोड़ा काम में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया। तो यहाँ तक का मतलब जो भी मैं वीडियो शूट किया हूँ इस गाड़ी के रिलेटेड, तो आगे अभी ये मैं आया हूँ आज गैरेज पे, तो जो भी मतलब बीच में छूट गया है तो उसको छोड़ दो, लेकिन अभी गाड़ी पे टेपिंग हो चुका है तो मैं आपके शेयर करूँगा कि क्या क्या काम अभी तक हुआ है और क्या क्या आज होने वाला है, और कल और परसों के डेट में ये फाइनल कलर होने वाली है। तो देखो अभी इस पर ग्रे अस्तर और इसकी घिसाई हो चुकी है, आप देख सकते हो रफ दिख रहा है,
इस पे पेपर मार दिया गया है, इसको घस दिए पूरा और टेपिंग भी कर दिया है क्योंकि अस्तर उड़ाना है अभी इसके ऊपर, एक अस्तर उड़ेगा, अस्तर के बाद में फाइनल उसका टचअप वगैरह करेंगे और टचअप के बाद में ही इसका फाइनल पेंट होएगा। तो कुछ गाड़ी अभी इस तरह से दिख रही है, तो ये सब चीज़ हो चुका है अभी फाइनली। तो यहाँ पे टेपिंग वगैरह हो चुका है फाइनल, देखो यहाँ सब पूरा पूरी टेपिंग हो गई है, ग्रे अस्तर भी है, स्मूथ भी कर दिया है और पेपर मार के इसको रफ़ कर दिया है क्योंकि रफ़ करना ज़रूरी है। तो ये भी हो चुका है, अभी आगे और बहुत सी चीज़ें हैं, देखते हैं ये और क्या क्या बाकी है। अभी फहीम भाई भी आ गए हैं, तो फहीम भाई से कुछ बात करें। फहीम भाई अभी इसके बाद क्या क्या अभी करने वाले तुम? अभी अस्तर मार रहे ना, कौन से कलर का अस्तर है? ये ब्लू रहता है क्या? ब्लू ही रहता है, ब्लू बनाया हूँ। अच्छा बनाया है, एकदम ब्लू नहीं है ये। अच्छा तो अभी देखते हैं गाइस इधर, अभी देखो ये इस अस्तर ये ब्लू टाइप में रहता है, देखो बनाया गया है ये। अच्छा ये बनाया गया है क्या? तो अभी इसको कम्प्लीटली अस्तर चढ़ा दिए, तो अस्तर कुछ इस टाइप का है। ये फहीम भाई ने ही बनाया अस्तर को इस कलर में, और ओरिजिनल गाड़ी का कलर ये है ब्लू। लेकिन ये अस्तर है उसको कवर करने के लिए, मतलब जब ब्लू होगी तो जो ग्लाम्बी और कारपेज किया हुआ उसका धब्बा दिखेगा नहीं, इसलिए अस्तर मारा जाता। लेकिन बड़ी प्यारी लग रही है गाड़ी, देखो ये कलर में भी बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। यहाँ पीछे से भी देख सकते हो, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी देखो। लेकिन पेपर पे ये कलर नहीं, इसलिए ये कलर हम रख भी नहीं सकते ना, नहीं तो काफ़ी अच्छी दिखेगी पूरी गाड़ी जब हो जाएगी ना कलर, यही कलर अगर रखे तो। लेकिन हम ये नहीं रखने वाले, कलर चेंज है, वो भी शेयर करूँगा, शूट करूँगा मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि अस्तर चढ़ चुका है गाड़ी पर, अब फाइनल कलर होगा उस दिन पूरा दिखाऊँगा मैं कि किस तरह लग रही गाड़ी। तो आज के दिन में इतना ही है, अस्तर लग चुका है और शाम हो गई है अभी, अब बाकी का काम कल और परसों में ये फाइनल हो जाएगी शायद। तो मिलते हैं कल और परसों में।